लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से स्कूल में पानी भर गया। जब टीचर राजू ने देखा कि स्कूल में पानी भरा हुआ है तो उसने सोचा कि क्यों ना बच्चों के साथ कुछ मजेदार किया जाए। तो बच्चों, बारिश की वजह से हमारा स्कूल स्विमिंग पूल बन गया है, इसलिए आज कोई पढ़ाई नहीं होगी। चलो आज पानी में खेलते हैं। पानी में? ना बाबा ना, हम सब कहीं डूब गए तो? अरे कमर तक के पानी में कौन डूबता है, डरपोक कहीं का। हाँ बन्नू, कुछ नहीं होगा बेटे, आओ चलो। बाबू सुनो ना, चलो ना हम भी चलते हैं, प्लीज। हाँ हाँ चलो मोना, चलो चलो। अबे वो मुझे बाबू बोल रही है क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, बॉयफ्रेंड, समझा क्या? चल तू निकल यहाँ से। ओ अच्छा, मुझे लगा वो मुझे कह रही है, मेरा नाम भी बाबू है ना। अच्छा चलो पानी में कूदो अब। बच्चे बहुत खुश हो गए और झट से पानी में कूद गए। लीला ने सबसे पहले पानी में छलांग लगाई और तैरना शुरू कर दिया। वाव, कितना मजा आ रहा है, सब लोग आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। सब पानी में कूदने लगे, लेकिन पन्नू जो सबसे डरपोक था किनारे पर खड़ा डर डर कर देख रहा था। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, कहीं इसमें शार्क आ गई तो? अरे पन्नू बेटा, ये कोई समुद्र नहीं है, यहाँ शार्क कैसे आएगी? ये कहकर राजू ने पन्नू को पानी में खींच लिया। पन्नू छटपटाकर चिल्लाने लगा। नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, नहीं मुझे बाहर निकालो। ओहो, जो कमर तक के पानी में ऐसे चिल्ला रहा है जैसे समुद्र में गिर गया हो। ओह चुप हो जा, वरना मैं अपने हाथों से ही तुझे खुद डुबा दूंगा। नहीं नहीं मुझे डर लगता है, नहीं 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 सॉरी, मुझे डर लगता है, नहीं नहीं। अरे चलो बाबू हम भी पानी में खेलते हैं। हाँ हाँ चलो मोना, आ जाओ चलते, चलो चलो। तू फिर बोलो। सॉरी, मुझे लगा वो मुझे कह रही है, इसलिए सॉरी भाई। हाँ सॉरी सॉरी। अरे यार छोड़ो इसे बाबू, आओ हम लोग छई छप्पा छई छप्पा कछई करते हैं, ये। हाँ ठीक है मोना, चलो खेलते हैं छई छप्पा छई। बाबू ने पानी में तैरते हुए एक शरारत करने की सोची। वो धीरे धीरे सबके पास पहुंचा और उनके पैरों को खींचने लगा। देखो अब मैं सबको पानी में गिराऊंगा। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे पैर को किसने खींचा? बाबू बेड़ा, तुझे शरारतें सूझती रहती हैं। ओहो बाबू तुम बहुत बदमाश हो, लेकिन मजा आ रहा है, ये। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया मोना डार्लिंग। ओहो मैं असली वाले बाबू के बारे में बात कर रही हूँ। तो क्या मैं नकली बाबू हूँ तुम्हारा? हाँ? अरे बाबू मैं तो इसकी बात कर रही थी, इस वाले बाबू की। देखो देखो कैसे मस्ती हो रही है, बस सब ध्यान से खेलो, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। तभी राजू को एक आइडिया आया। बच्चों अब हम सब मिलकर कागज की नाव बनाएंगे और उन्हें पानी में तैराएंगे, बोलो करें? हाँ, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये। सभी बच्चों ने झटपट कागज की नावें बनाई और उन्हें पानी में तैराने लगे। लीला की नाव सबसे पहले पानी में डूबी। हाँ, अरे अरे मेरी नाव तो डूब गई, ओ नो। तुमने नाव नहीं कागज का पत्थर बनाया है, पत्थर। अरे बाबू तुम खुद ही देखो, तुम्हारी नाव तो उल्टी हो गई। नहीं तो मेरी नाव तो सही ही है, देखो इसे। अरे पगले सोनू की तो। मेरी नाव क्यों उल्टी हुई, कौन उसे छेड़ रहा है? अरे बाबू भैया
शायद कोई शार्क होगी। शार्क? हाँ? शार्क कहाँ है शार्क? हाँ? अरे पन्नू, यहाँ कोई शार्क नहीं है, बाबू मजाक कर रहा है। सब बच्चे अपनी अपनी नाव तैराने में मस्त थे और हंसी मजाक कर रहे थे। इस बीच बाबू ने फिर से शरारत की और राजू की नाव को हल्का सा धक्का दिया। अरे मेरी नाव को किसने धक्का दिया? अरे माफ करना सर, माफ करना, मेरी टांग से टक्कर हो गई इसलिए, सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी। इस पर सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। बच्चों की मस्ती देखकर राजू के मन में एक और मजेदार आइडिया आया। उसने स्कूल की एक बेंच को तिरछा करके उसे स्लाइड में बदल दिया। देखो बच्चों, अब हम इस बेंच को स्लाइड बनाकर उस पर फिसलेंगे। बोला कैसा लगा आइडिया? वाह सर, आपके पास तो आइडियाज की भरमार है, आप तो बहुत कूल हो। कूल? हमें तो लगा था कि आप नमक को क्या? नहीं, मेरा मतलब कि ना मैं आपको कूल समझती थी, लेकिन कोई नहीं, आपने हमें गलत साबित कर दिया। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले लीला ने बेंच पर चढ़कर फिसलने की कोशिश की, लेकिन उसके बड़े आकार की वजह से बेंच ही टूट गया। हाँ? अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ? हाँ? वही हुआ जिसका डर था, जाओ दूसरी बेंच लेकर आओ। लीला, तुम्हें स्लाइड नहीं लिफ्ट की जरूरत है, लिफ्ट, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। हाय, बच्चे दूसरी बेंच ले आए। अच्छा सोनू बाबू, चलो अब तुम फिसल कर दिखाओ, आजा आजा। हैं? दोनों साथ में, मैं और सोनू? हाँ? ओहो, अरे वो सिर्फ मुझसे कह रही है, देखो मैं कैसे फिसलता हूँ। सोनू जैसे ही फिसलने लगा, बाबू ने शरारत से उसके पीछे धक्का दे दिया, जिससे सोनू तेजी से नीचे आ गिरा। बाबू, तुमने फिर से शरारत की ना, तुम नहीं मानोगे ना? हाँ? अरे सॉरी यार, लेकिन यही तो मजा है दोस्त। हाँ, मुझे तो डर लग रहा है, मैं कैसे फिसलूंगा? अरे पन्नू, कुछ नहीं होगा बच्चे, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, आओ। राजू ने पन्नू को पकड़ कर फिसलाया और पन्नू ने चीखते चीखते नीचे आकर सबको हंसा दिया। नहीं, 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 नहीं। एंड में जब सब खेल कर थक गए तो राजू ने कहा, तो बच्चों अब हम सब चाय और पकौड़े खाएंगे, बोलो किस किस को बढ़िया आइडिया लगा। अब आपने असली काम की बात की है, आहा मस्त खाएंगे। राजू ने सबको गर्मा गर्म चाय और पकौड़े दिए, सभी बच्चे बहुत खुश थे। आज का दिन तो सबसे मजेदार था, मजा ही आ गया। हाँ हाँ, और बाबू की शरारत भी। मेरी शरारत तो हमेशा मजेदार ही होती है। हाँ। सोनू, तुमने भी आज खूब मस्ती की। हाँ मोना डार्लिंग, आज का दिन तो यादगार रहेगा, ऑल थैंक्स टू राजू सर। मेंशन नॉट। उस दिन स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई और सभी बच्चे खुश होकर अपने अपने घर चले गए। क्यों, लगता है ना काश हमारा स्कूल भी ऐसा ही होता।